वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो आज मैं आप सभी के बीच में एक मोटिवेशन वीडियो लेकर आ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, कमेंट आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक मोटिवेशन वीडियो डालूं जिससे आप मोटिवेट होकर, अगर मेरी बातें आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बातें, नहीं तो बाकी आप खुद समझदार है, क्योंकि हम सब समझदार होते बट हम समझने का प्रयास नहीं करते। तो जितने भी हैं, पहला क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को लेके कि हाँ हमें ये करना है, तो पहला कहाँ से हम सीखते हैं? पहला सीखते हैं हम अपने फैमिली मेंबर की कंडीशन को देख के कि हमारे पापा अभी क्या कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, और हम अपनी फैमिली में ऐसा क्या करें कि हमारी फैमिली खुश हो और उन्हें हर चीज की, जिस चीज की नीड है उनको, वो उनकी जरूरत पूरी हो सके। तो पहला हम वहां से सीखते हैं। दूसरा हमारा फ्रेंड सर्कल, अगर हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, उसमें सब मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई को लेके कि एकदम हाँ मुझे पढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, तो हम कुछ अपने दोस्तों से देखकर सीखते हैं। क्योंकि अगर हमारा दोस्त घूमने जा रहा है, और कुछ कुछ तो फ्रेंड ऐसे होते हैं ना कि खुद घूमने जा रहे हैं, तो बस चल तू भी घूमने चल, पढ़ रहा भी होगा ना उसे पकड़ के ले जाएंगे कि तुझे इसकी कसम उसकी कसम, और ले जाते हैं उठा के। और तीसरा क्या होता है कि हम किसी को देख के सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं जैसे कि हाँ ये कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वही मैं आप लोगों के साथ अपने लाइफ का थोड़ा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरी लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो पहला ये है कि मैं मोटिवेट कैसे होती हूँ कि मुझे पढ़ाई करना है। पहला मुझे अपनी फैमिली का बैकग्राउंड आपको पता है कि हम इतने रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, और आधे से ज्यादा बच्चे जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे कोई भी ऐसा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता होगा जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा। या तो खुद का बिजनेस खोल लेगा, या तो कोई अच्छा सा कैनेडा या यूएसए जैसी जगहों पर जाके क्या सेट हो जाएगा, सेटल हो जाते हैं ज्यादातर, या बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें हायर कर लेती है या कोई कोर्स कर लेते हैं। बट हम बिना कोर्स करने के लिए, और घर में अगर आप सबसे बड़े हैं ना फैमिली में, तो आप सोच के भी नहीं सोचते हो कि हमें कोई कोर्स करना है। अगर हम खुद अगर सोचे 7 लाख का, अगर हम खुद, मैं खुद को अपना एक एग्जांपल ले रही हूँ, 7 लाख का मैं कोर्स कर लूंगी, मेरे नीचे मेरे 3 भाई बहन है तो उनको भी तो देखना है। तो हम ये सोच के, अगर बच्चा समझदार हो तो ठीक है। फिर कुछ होते हैं हमारे फ्रेंडों की तो बात ही क्या बोलूं। आप जितने भी अभी होंगे ना इस डाउट में कि लाइफ में जी रहे होंगे कि हमारे दोस्त है और लाइफ में जाके हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो दोस्त किसी के भी काम नहीं आते। ये बात अगर आपको बुरी लग रही हो तो उसके लिए सॉरी, बट किसी के भी दोस्त किसी के काम नहीं आते हैं। स्कूल के दोस्त स्कूल तक ही बहुत अच्छे लगते हैं, और कॉलेज के दोस्त कॉलेज तक ही बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर तुम एक हफ्ते के लिए अपना व्हाट्सअप बंद कर दोगे ना, व्हाट्सअप या कॉल नहीं करोगे किसी को, तो तुम्हें मैं लिख के देती हूँ स्टैम्प पेपर में कि कोई दोस्त तुम्हें कॉल नहीं करने वाला है। कुछ दोस्त होंगे जो हाँ खुद से कॉल करते हैं और खुद से मैसेज कर देते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा किसी के पास वो नहीं है, ये वो सोचते हैं ये नहीं तो वो सही। और दूसरा जो आप लोगों को पता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला सीन, तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में लड़के बर्बाद है और गर्लफ्रेंड के चक्कर में लड़के बर्बाद है और बॉयफ्रेंड के चक्कर में लड़कियां बर्बाद है। तो क्या होता है कि जब हम 18 प्लस होते हैं या 16 प्लस होते हैं, तो सब नया नया जुनून चढ़ा रहता है। कोई लड़का बोल देगा कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो बस लड़कियां सातवें आसमान पर रहती है, और मुझे इतना प्यार करने वाला लड़का मिल गया, अब तो बस जिंदगी सेट है और ये मुझे सब चीज ला के देगा। तो वो तुम्हारा बेवकूफ बनाता है और कुछ नहीं। मैं तो साफ और सीधा बोलती हूँ कि वो तुम्हारा बेवकूफ बना रहा है और कुछ भी नहीं। तो लाइफ में लड़कों से दूर रहो, लड़कियां लड़कों से दूर रहो, और लड़के लड़कियों से दूर रहो, क्योंकि लड़कियां भी बेवकूफ बनाती है को, दोनों ही, मतलब ये नहीं बोलूंगी, नहीं तो लड़के बोलेंगे कि तुम ऐसे बोल रहे हो। हाँ 59 अगर 100% है तो 50% चांस है कि कोई लड़का लॉयर निकल जाता है और कोई लड़की लॉयर निकल जाती है। बट मैंने जितने भी देख रखे हैं अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में और बहुत सारे लोगों को देख रखा है, तो मुझे यही महसूस हुआ है कि एक दूसरे का काटते हैं जो कि बेवकूफ बनाते हैं। तो बस आप पढ़ाई करिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारी पढ़ने की उम्र होती है तो हम, जैसे कि ज्यादातर ये चीजें मैंने कहां देख रही है, कॉलेज में, क्योंकि शुरू शुरू में जब मेरा एडमिशन हुआ था ना कॉलेज में, तो मेरे साथ के ही बहुत सारे बच्चे, विश्वास नहीं करोगे भैंस की, वो सूट पहन के जाती थी लड़कियां और कॉलेज में जाती हैं उनके कपड़े पूरे चेंज। बट मेरा आज तक ऐसा कोई नहीं है, मेरे को कोई शौक भी नहीं है कि हाँ मैं कोई कपड़े पहनू, नॉर्मल मैं लोअर टी शर्ट पहनती हूँ, वही मैं रनिंग करने, अगर मुझे कोई बोल दे शादी में बीसी में जाना है तो मैं खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हूँ। तो कोई वो नहीं होता कि कपड़े से किसी को हम जज करें। बाकी इतना तुम इतने तो थोड़ा अपने आप को, मतलब क्या होता है कि मैंने ये देखा है कि सामने वाले इंसान को हम कपड़े से जज करते हैं, तो कपड़े से जज करना छोड़िए। किसी किसी का होता है कि किसी को पसंद ही नहीं रहता। अब
मेरे को ही पसंद नहीं है सूट पहनना या ये सब चीजें जो भी है लड़कियां पहन के घूमती रहती है, तो मैं ऐसी नॉर्मल रहती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और सामने वाला मुझे देख के क्या सोचता है क्या बोलता है आई डोंट केयर। तो ये है। बाकी मैं जब कॉलेज में गई थी तो मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियां थी जो सूट पहनती थी मेरे साथ ही थी, और कॉलेज में जाते हैं उनका जींस टॉप वाला, खैर वो उनका अपना वो था कि हाँ कॉलेज में थोड़ा चेंज होता ही है। बाकी मैंने ये देखा है कि कॉलेज में जाते ही कि ये इसके साथ घूमना शुरू कर देता है, वो उसके साथ, तो वो अब अपना पढ़ाई खराब कर रहे, तो उनके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। मैं तो साफ बोलती हूँ, साफ बोलो सुखी रहो। तो वही वाला है कि आप लोगों को कोई समझा रहा है और सही टाइम पे आपको ये बातें समझ में जा रही तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्या होता है कि एक बंदे के साथ अगर तुम हो या एक लड़की के साथ तुम हो, 6 महीने रहोगे, 1 साल रहोगे, 1 साल के बाद मन भर जाएगा, क्योंकि तुम कोई भी नई चीज लेके, अगर नया फोन ही लाए तुम फॉर एग्जाम्पल के लिए, तुमने उसे ना 6 महीने चलाया, उसके बाद वो भी पुराना लगने लग जाता है। तो ये उम्मीद मत लगाओ कि हाँ कि कोई हमारे साथ है तो वो लाइफ टाइम रहेगा। दोस्तों का भी सेम यही सीन है। अगर तुम दोस्तों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब तुम उसके साथ घूम रहे हो, उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो, मतलब इधर उधर जा रहे हो, तो बस बहुत अच्छी लाइफ तुम्हारे दोस्तों के साथ चलेगी। नहीं तो दोस्त भी किसी काम नहीं आते। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैं 12th में थी ना, मेरा फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा था ना, क्या बताऊं, मतलब मैं क्लास में जब थी तो मैं जब लंच टाइम होता है ना, तो ऐसा कोई मेरा फ्रेंड, मतलब क्लास का कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो मेरा फ्रेंड नहीं था। सबके टिफिन में बैठ के मैं आराम से खाती थी, खाना मुझे पसंद है वैसे भी। वो मेरे स्कूल का मतलब बहुत सारे फ्रेंड थे। फिर कॉलेज में गए तो कॉलेज में हम लोगों का, मैं बीएससी करने लग गई, आधे मेरे फ्रेंड लोग बीए करने लग गए, तो उनका फ्रेंड सर्कल मतलब अलग अलग हो गया, तो कोई बात भी नहीं करता था। फिर कॉलेज हुआ, कॉलेज क्या, मैं फिर उसके बाद जैसे कॉलेज गई, मैं उन लोगों के साथ नहीं रहती थी। वो मेरे को खुद बोलते थे कि तू क्या जॉब करती है, छोड़ ना, बल घूमने चलिए छोड़। पर मैं जब फर्स्ट, मैं ये आप सोच रहे हो कि अपनी तारीफ कर रही हूँ, नहीं, ये हमारा अपनी फैमिली को देख के होता है ना कि हमारे मम्मी पापा हमें कैसे बड़ा कर रहे हैं और कैसे पाल पोष रहे, तो वो देख के हमें होता है कि हाँ हम अपनी मम्मी के लिए कुछ करें या अपनी फैमिली के लिए कुछ करें कि उन्हें भी अच्छा लगे। क्योंकि अगर हम 18+ हो गए हैं और तभी भी हम अपनी मम्मी पापा से हमें पैसे मांगने पड़े, तो क्या फायदा उस मतलब पढ़ाई लिखाई का कि हमें उनसे उनसे मांगना पड़ रहा है। और मेरे साथ ये कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि उन्हें मतलब दूसरों के सामने शॉफ करना, मैंने बहुत सारे मतलब, मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स भी खेलती थी ना, और मैंने कॉलेज की भी लाइफ देख रखी है और बहुत सारी जगह जॉब भी कर रखा है, तो मैंने देख रखा है कुछ लड़कियां और कुछ लड़के शॉफ करते हैं। चाहे उनकी फैमिली ये नहीं देखते कि मेरे पापा या मेरी मम्मी मुझे पैसे कहाँ से ला के दे रहे हैं, पर उन्हें शॉफ करना रहता है। अगर उनके साथ हमारे कॉलेज में मतलब कुछ लड़कियां थी जो कि उनके साथ का फ्रेंड सर्कल जिस फैमिली से बिलोंग करता था, तो वो भी शॉफ करने के लिए, ये नहीं पता रहता कि कहाँ से ला रहे हैं उनके मम्मी पापा पैसे, पर उनको शॉफ करना है कि हम इस रेस्टोरेंट में, बड़े रेस्टोरेंट में खाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो वो, तो तुम ये फालतू की चोचले पंती मत दिखाओ। ये दिखाने से कुछ नहीं होगा, एक टाइम के लिए तुम खुश हो जाओगे, पर जब तुम्हारा आगे की तरफ तुम अपना फ्यूचर देखोगे ना कि हाँ फ्यूचर में क्या है, तो कुछ नहीं मिलेगा। कॉलेज में मैंने देखा कि मेरे साथ वाले बहुत सारे बच्चे थे, ना कॉलेज हुआ ना उनकी पढ़ाई हुई, कॉलेज में फेल होके बैठ रखे हैं, बैक लग रखे हैं, अभी तक बैक क्लियर ही कर रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में बस ये लड़की लड़के और दोस्तों से निकल के पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। फालतू चक्करों में पढ़ने से कुछ नहीं होता है, अगर आप इस बात को अभी समझ जाओ ना। सबसे अच्छा दोस्त क्या होता है लाइफ में? किताबें होती है। अगर लाइफ में अमीर हो ना, अमीर मतलब पैसा है तुम पे, तुम 10,000 या 20,000 की जॉब कर रहे हो ना, झक मार के आएंगी दुनिया तुम्हें, मतलब खुद तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, तुम मेरा दोस्त बन जा। और गवर्नमेंट जॉब तो ऐसी है ना कि अगर तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मोहल्ला पड़ोसी दोस्त पुराने पुराने दोस्त आएंगे, जिनसे तुमने कभी दोस्ती भी नहीं की होगी ना, वो भी बोलेंगे कि मैं तो तेरे, क्या बोलते हैं, हम पहले मिले थे, हम दोस्त थे, ये थे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पढ़ाई कर लो, ये फालतू के चक्करों में मत पड़ो। और बच्चे बोलते हैं कि हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, हम पढ़ाई नहीं करते, तो यार इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, फेसबुक डिलीट कर दो, पढ़ाई अपने आप होने लग जाती है। इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप कोई इतना अर्जेंट काम नहीं होता है इनमें। हमारे घर में मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, वो बहुत है, इनफ है। बुके लाओ, बुके से पढ़ लो, बुक बहुत है। बुक ऐसा नहीं होता कि ऑनलाइन, यूट्यूब है, यूट्यूब में पढ़ लो तुम। ये कोई वो नहीं होता कि हाँ हम व्हाट्सएप डिलीट कर देंगे तो हमारा ये लेफ्ट हो जाएगा, ये बोलते हैं बच्चे के ग्रुप से लेफ्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, कुछ नहीं होता, फालतू का बकवास है और कुछ नहीं होता। इसलिए बोल रही हूँ कि पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये बात अलग है कि हम सब बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अगर कोई पेपर देने तो कोई कम मेहनत करता है, कोई ज्यादा मेहनत करता है, तो थोड़े से नंबर से, तो ऐसा तो है नहीं कि अगली भर्ती नहीं आएगी, तो अगली भर्ती आएगी, तो उसके लिए भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।
तो मैं यही बोलूंगी, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई में फोकस कीजिए। एक दिन नहीं पढ़ा जाता, 2 दिन नहीं पढ़ा जाता है, तीसरे दिन आप लेके बैठोगे ना, आपको मजा आने लग जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि हम बोलते हैं ना, किसी चीज की लत जब लग जाती है ना, तो हमें वही चीजें अच्छी लगने लग जाती है। तो किताब में अगर रोज आप ना एक टेबल और एक कॉपी लेके बैठोगे ना, एक दिन तुम्हें मन नहीं लगेगा, 2 दिन ही पढ़ोगे, 3 दिन ही पढ़ोगे, 4 दिन ही पढ़ोगे, 5वें दिन तुम खुद सोचोगे कि हाँ मैं पढ़ने के लिए बैठू, हम पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने लग जाएगा। फालतू के दोस्तों के साथ, फ्रेंडों के साथ बात करने से कुछ नहीं होता है, नेट खर्च होता है। मेरा तो साफ मानना है कि नेट खर्च होता है और घूमने से पैसे खर्च होते हैं मेरे। मैं तो जब से मतलब मैं नहीं करती फालतू खर्चा। मेरे को कोई बोल दे ना, मेरा कल बर्थडे भी था तो जिसको विश करना है करे, पार्टी मेरे बस की नहीं है, मैं देती नहीं हूँ पार्टी। मैं पहले मतलब ये सब जब मैं 12th में थी ना, 12th उस टाइम दिमाग नहीं था, तो वो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि जो जो मेरे साथ हो रखा है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आने वाले जो बच्चे हैं, मतलब जो भर्ती की तैयारी करेंगे या 12th करने वाले बच्चे हैं, तो वो थोड़ा मोटिवेट हो कि लाइफ में क्या चीज होती है। कॉलेज में जाने के बाद बच्चे क्या सोचते हैं कि कॉलेज की लाइफ बहुत अच्छी होगी, दुनिया की सबसे खूबसूरत जिंदगी कॉलेज की होती है। मैं बोलती हूँ सबसे अच्छी लाइफ हमारी स्कूल की लाइफ होती है, तो स्कूल बेस्ट है और कॉलेज में कुछ नहीं होता। कॉलेज में जाओ, पढ़ाई करना है करो, नहीं करना मत करो, आराम से घूमो फिरो और घर आओ, यही वाली लाइफ चलती है। 3 साल हमारे वहां खराब हो जाता है, ऐसे हम 21-22 साल के हो जाते हैं और घर वाले तब गालियां देने लग जाते हैं कि कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, और घर वालों की गालियां हमें बहुत बुरी लगती है, जो कि बिल्कुल सही बोलते हैं। और ये चीजें हमें तब समझ में आती है जब हम बहुत 25-26-27 साल के हो जाते हैं ना, जब खुद के बच्चे हो जाते हैं, तभी आपको समझ में आने लग जाएगा कि हमारी फैमिली बिल्कुल सही थी और हम बहुत गलत थे। तो ये फालतू के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई कर लो। अभी बहुत सारी उत्तराखंड पुलिस की आने वाली है, BDO की आने वाली है, SI की आने वाली है, RO की आने वाली है, होमगार्ड आने वाली है। अगर जिससे पढ़ा भी नहीं जा रहा, होमगार्ड की तैयारी कर लो तुम। कम से कम ये तो रहेगा कि तुम्हारे घर वाले तुमसे बोले ना 10 रुपए दे दे, तो तुम बोल लो भाई 20 रुपए पकड़ो, ये ना मांगना पड़े कि हाँ हमें दे दो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और उन बच्चों को बोलूंगी, बंदी रक्षा का पेपर आने वाला है, 1 महीने में कोई पढ़ाई नहीं होती है। हाँ वो अलग बात है कि जब हम पेपर देने के लिए बैठते हैं तो कुछ हमारा लक होता है और कुछ कुछ हमारा मतलब पढ़ा हुआ होता है। लक मतलब किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। किस्मत एक बार साथ नहीं देगी, 2 बार साथ नहीं देगी, 3 बार नहीं देगी, कब तक नहीं देगी देखेंगे, जब तक भी नहीं देगी। पर आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, बरसात का टाइम चल रहा है, इधर उधर घूमने मत जाइए फालतू, और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।